अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप सबके साथ चिकन की रेसिपी शेयर करूंगी, जिसके लिए मैंने मसालों में लिया है 1 टेबल स्पून सॉल्ट। आप 1 टेबल स्पून डालेंगे या अपने टेस्ट के मुताबिक, 5 to 6 होल रेड चिली, 1 टीस्पून होल ब्लैक पेपर, 1 टेबल स्पून या 2 टीस्पून कोरिएंडर, होल कोरिएंडर, और 3 से 4 ये सूखे पत्ते, और 1 सिनेमन स्टिक। चिकन मैं यूज़ करूँगी होल, 1.2 kg की ये चिकन है विद स्किन। चिकन को कर लेंगे इधर बैक साइड से, सेंटर में से कट। ये इजीली कट हो जाएगी, आप इसको सीजर से भी कट कर सकते हैं। एक से 1.5 लीटर मैंने लिया पानी, पानी को मैंने रख दिया बॉयल होने के लिए। जब पानी बॉयल हो जाएगा तो इसमें मैं मसालों को डाल के बॉयल करूँगी। पानी हो गया बॉयल, इसमें मैं डाल देती हूँ सारे मसाले। इस पानी को मैं 3 से 4 मिनट करूंगी बॉयल। फ्लेम कर रही हूं मैं बंद, और अब मैं पानी के रूम टेम्परेचर पे आने का वेट करती हूं। चिकन को ये मसाला वाले पानी में हम डिप करके रखेंगे 3 से 4 घंटे के लिए, या ओवरनाइट, या आपकी चॉइस है। अगर आप इसको ओवरनाइट रखना चाहते हैं तो ओवरनाइट रख दें, वरना 3 से 4 घंटे के लिए एटलीस्ट आप चिकन को इस तरह से सोक करके रखें। आप चिकन को कर लेती हूँ मैं ड्राई, तो चिकन का पानी इसको अच्छी तरह से ड्राई करना है हमने। चिकन को कर लिया मैंने ड्राई, अब इसके ऊपर मैं एक दोबारा से मसालों का कोट करूंगी। उसके लिए मैं ले रही हूँ 1 टीस्पून सोया सॉस, 1 टीस्पून क्रश चिली, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 1 टीस्पून गार्लिक पाउडर, 1 टेबलस्पून विनेगर या लेमन जूस, और 1 टेबलस्पून ऑयल। Thank you.
अब इसको कर लेती हूँ मैं ग्रिल, ग्रिल पैन में। अगर आपके पास ग्रिल पैन नहीं है तो आप इसको फ्राइंग पैन में भी बना सकते हैं, और आप इसको बारबेक्यू की तरह कोयलों पर भी बना सकते हैं। ग्रिल पैन को कर रही हूँ मैं गरम, इसको मैं ग्रीस कर रही हूँ ऑयल के साथ। इसमें मैं रख रही हूँ चिकन, और जो मसाला बचा है ये भी चिकन में डाल देती हूँ। चिकन को मैं कुक करूँगी 15 से 20 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पर। फ्लेम को मैंने कर दिया हाई ताकि जो चिकन का पानी है ये उबल जाए, क्योंकि चिकन की जो नीचे वाली साइड है लोअर साइड से कलर आ गया और चिकन भी टेंडर हो चुकी है। तो जैसे इसका पानी ड्राई हो जाएगा मैं इसकी साइड कर दूंगी चेंज। चिकन की साइड कर दी मैंने चेंज, अब दूसरी साइड से मैं 5 to 6 मिनट चिकन को कुक करूंगी लो फ्लेम पर। चिकन हो गया हमारी रेडी, अब इसको कर लेती हूँ मैं डिश आउट। चिकन हो गई रेडी, चिकन को मैंने कर लिया है डिश आउट। देखें चिकन पे कितना खूबसूरत कलर आया। आई होप आपको ये चिकन रेसिपी अच्छी लगी होगी। लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।